अरे नौकरियां बारू पैदा हुई छे, फली भी आदमी जिंदा छा। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और आज अपने वन डे वन फॉलोवर मीटअप टास्क में आज अपने 62वां दिन, और उसमें आज अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर भाई अभी सिंगोरिया सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी है दादाबाड़ी छोटे चौराहे की तरफ। तो अभी अपन भाई से मिलने के लिए छोटे चौराहे की तरफ चल रहे हैं। तो जिस भाई को आज का फुल व्लॉग देखना है वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसी पर डेली का अपना फुल व्लॉग आता है। और आज अपने पूरे 62 दिन हो चुके हैं, तो पूरे 60-61 व्लॉग उस पर ही है। तो वहाँ पर जाए, अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं, और जिसको करना है कल मीटअप वो अपनी रील पर कमेंट करें। तो अभी अपन अभी भाई के पास में पहुँचने वाले हैं। भैया तो चौका सेना ले रहे थे, हैं खतरनाक रूप से सेना ले रहे थे सारे, ऐसे बोलता ना। आजा छोटू आजा, क्या घबरा रहा है? कर दी। हेलो गाइस, दिस साइड यश भैया एंड यू आर वाचिंग कोटा राइडर्स। और अपन क्या है, अभी भाई के पास में पहुंच चुके हैं। तो अभी भाई कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, मैंने बहुत टाइम से फॉलो कर रखा था, मैंने पहली बार आपको कमेंट किया तो उसमें आपका रिप्लाई आ गया। मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि आपका रिप्लाई आया, और पता नहीं था कि यहाँ आप आ जाओगे, लेकिन आप मतलब मुझे रियलिटी बता, आपको डाउट था क्या कि आएगा नहीं आएगा? ऐसे ही फॉर्मेलिटी तो नहीं करते। डाउट तो था मुझे, लेकिन ये पता नहीं था कि मेरे कमेंट से आ जाओगे। पता है भाई, आज 62वां दिन है, 61 दिन से अननोन आदमी से ही मिलते हैं पर डे, किसी भी ऐसे आदमी से नहीं मिले हैं जो मेरा दोस्त हो। अभी मैं तुम लोगों में भले ये तुम एक जना फॉलो करता हो, पर इस भाई से अगर कमेंट कर रहा है, जुड़ा हुआ है, तो फिक्स है कि मिलना होएगा ही होएगा, कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो अभी भाई के साथ में क्या है, पूरे राठौड़ हॉस्टल के जो लड़के हैं वो है, तो इनसे भाइयों से पहले एक बार नाम पूछते अपन। जितेंद्र राठौर नाम है मेरा। राहुल राठौर। योगेश राठौर। अभिषेक सुमन बारा। भूपेंद्र राठौर। हिमांशु राठौर। सौरभ राठौर। अभिषेक राठौर। चिराग शर्मा। और ये छोटू क्या है, छोटू स्टोरी देख के आया है क्या? नहीं, वो तो मैंने आपको देख लिया था, मैं इधर आया था। अच्छा अच्छा, वाह यार भाई छोटू, मतलब तूने क्या है मेरी छाती को एकदम से ना फुला दिया, काफी गर्व हो रहा है मुझे ऐसे छोटे छोटे फॉलोवर, बहुत खतरनाक आदमी है। भाई से मिलके काफी अच्छा लगा, क्या नाम है तुम्हारा? चिराग शर्मा। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो। तो भाइयों, जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हो तो सब अलग अलग जगह के होंगे आप लोग? जी सर, प्रत्येक आदमी अलग अलग जगह के हो। तो जैसा यहाँ हॉस्टल में है, तो जब पास में सब लोग तुम रहते हो, तो तुम लोग किस तरीके से रहते हो कुछ बताना चाहते होंगे? हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अगर किसी को कभी कभार किसी कोई दिक्कत आ जाए तो हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और पढ़ाई करते हो या फिर और कुछ करते हो? नहीं, पढ़ाई भी करते हैं साथ में, कभी कभार बोर हो जाते तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चलता रहता है, सब चीज़ें साथ में चलती हैं। किसकी तैयारी करते हो? बीएससी नर्सिंग। आप? डीएमएलटी। आप लोग भी स्टडी करते हो? तो आप में से कभी कोई ऐसे दोस्त का फेस, मतलब ऐसे दोस्त को फेस किया जो क्या है कभी कभार डिप्रेशन वगैरह में या फिर परेशानी में चला जाता है? हुआ ऐसा कभी? हुआ है, बताओ जरा। एक बार मेरे साथ हुआ था, आज मेरा फ्रेंड आया था तो नाइट में सोया ना, तो उसकी अचानक मतलब डिप्रेशन में था, पापा उसके फादर की डेथ हो गई, जो यहाँ पे आया, जो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, सारे पूरे हॉस्टल के मिलके उसको हॉस्पिटल ले गए थे उस दिन। तो मतलब भाईचारा ऑन टॉप। हाँ, भाईचारा ऑन टॉप है, सारे गए थे। तो भाई यही तो चीज़ है ना, क्योंकि अगर पास में रहते हो तो आज जैसे आप किसी घर के लड़के हो, सेम टू सेम ये भी तो है ना, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस नहीं है। आप ईंट पत्थर खाते हो क्या? नहीं नहीं,
वो खाना खाने से तुम भी रोटी खाते हो ना? रोटी खाते। तो इसका मतलब है किसी भी घर का कोई सा भी लड़का हो, सबसे पहली चीज तो ये है कि जितना हो सके सपोर्ट करो, नहीं कर सको तो कम से कम बुराई में तो साथ मत दो। वरना आजकल क्या है, आपस में रहते हैं ना, तो सबसे आम बात ये रहती है कि तुम्हारी टांग खींच ले। नहीं ऐसा तो नहीं हो, ऐसे दोस्त पाले नहीं है शुरू से। इसका मतलब तू समझदार आदमी, इसी वजह से थोड़ी बोली बन रही है तेरी। नहीं, अगर ऐसे दोस्त पाले होते ना तो अभी चिरकुट की तरह हो या रहता मकड़ा सा। अब तो खाना भी साथ ही बनाते हैं। अच्छा, एडजस्ट कर लेते। और भाई अपनी पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहते हो? नहीं बस बस। पता है भाई तुम्हारी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हें बोलने में शर्म आती है। बोलने की बात नहीं, मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा, क्या बोलूं? कोई बात नहीं है, टॉपिक का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं तुमसे टास्क पूछ रहा हूँ। तुम तो ये भी कह सकते हो कि तुम्हारे जो जितने भी गांव के हैं वो लड़के मुझे फॉलो करें। हाँ सही बात है, बोलूँगा उनको। पर तुमने मुझे फॉलो नहीं कर रखा हो तो कर रखा है? अभी तो नहीं कर रखा मैंने। कोई बात नहीं, मोबाइल भी नहीं है मेरे पास, खराब हो रहा है मोबाइल, इसलिए। कोई बात नहीं, पता है भाई इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। और भाई कोई ऐसी चीज कहना चाहते हो जो क्या है अपनी पूरी पब्लिक के जितने भी लड़के हैं आज तुम सब दोस्त हो, तो बाकी और भी जो दोस्त होते हैं ग्रुप होते हैं उनके लिए एक अच्छी कारगर बात साबित हो, कुछ है मन में? जैसे कि यहाँ पे हम जितने भी हैं सब अलग अलग जगह से हैं, कोई बारा से है, कोई बूंदी से है, कोई कोटा से, और कोई और भी जिले से होगा। तो हम जैसे यहाँ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वैसे ही सब एक दूसरे की हेल्प करें। किसी कोई जरूरत पड़ रही है, चाहे दिन हो रात हो, हेल्प करो। चलो, तो कभी कभार ऐसा हुआ कि एक दोस्त ने धोखा दे दिया, फिर दूसरे ने भी दे दिया, फिर नया दोस्त बनाया, तीसरे ने भी दे दिया, फिर ऐसे क्या है पुश्तैनी परंपरा हो गई कि प्रत्येक दोस्त बनता है और धोखा दे देता है। तो कभी कभी मन में आया कि यार अब आग लग रहा, दोस्त आगे न बनाऊ मुझे, ऐसा हुआ? नहीं, दोस्ती में तो क्या है, जैसे अपना रिश्ता घर से बाहर तक है, मतलब ज़्यादा दोस्ती अपन करते नहीं है। बाकी रही बात, तो स्टूडेंट हैं हम सब यहाँ पे, तो जो बाहर से आके रहते हैं उनको मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो अपनी ज़िंदगी का, अगर उसमें अपन एक बार असफलता हासिल कर लेते हैं तो वहाँ से अपन को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हमें अगर उस सेक्टर में बनानी हुआ तो वापस पुनः प्रयास करना चाहिए, और अगर उस सेक्टर में अपना कुछ भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हमें डिप्रेशन में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें क्या है, दूसरे अगर उसमें नहीं हो रहा तो अपन कोई और जगह कुछ कर सकते हैं दूसरे सेक्टर में। जैसे आपने मान लो अगर पहले पढ़ाई की उसमें नहीं हो रहा तो आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो, तो वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अरे भाई पता है, मैं तुम अब इस बात पे तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें आज एक चीज बताता हूँ। अरे नौकरियां बारू पैदा हुई, पली भी आदमी जिंदा जा, पली भी आदमी मर जा कोई नहीं, पली आश्रम जा घर काचा रह जा बार तो पाकी ईटा का भी, पली का मन काय मर गया जग, वो जिंदा था जब तो अपन खड़ा था ना, दोबारा अपन का तो गबुले बक चुके होता, रियलिटी है ना। तो नौकरी हो व या काय भी मैटर हो, दुनिया पली भी चाल रही थी, बारू भी चाल रही थी। अरे या सोचे थे कि नौकरी न लग गया तो मर जाऊंगा, तो फिर भाया वो जीर भी कहने उखाड़ से भाई जी। मातरी जी की बुद्धि कोई नहीं, तो जीवन अनमोल से उन्हें छोटी मोटी चीज का चक्कर में बर्बाद करवा तुले रहे। आजकल डिप्रेशन की बीमारी जान सुनी होगी भाई, लो तो सारा यहाँ रह। मैं पूरी पब्लिक को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली, मैं इसको ढंग से जानना। डिप्रेशन होता है, आज मैं यहाँ पे मीटअप करने आया, मुझे ये चार दोस्त मिले, इन्होंने मुझे बोलो कर रखा हो नहीं कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें ये सोच के चलूँ कि यार अगर उन 10 जनों का मेरे फॉलोवर नहीं आया तो यार क्या फायदा है अपने मिलने का, मैं तो गलत कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये चीज़ सोचने लग जाऊँगा ना उसी दिन तुरंत मेरा डिप्रेशन आ जाएगा। इसकी जगह पे मेरा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मैं वन डे वन फॉलोवर मीटअप कर रहा हूँ, कमेंट से आदमी सेलेक्ट करता हूँ। मुझे ऐसे भी लोग हैं भाई जो मैसेज करते हैं, अब एक बार बता तेरे पास फॉर्च्यूनर हो या तू कलेक्टर हो, मेरा उसूल है कि कमेंट से ही मीटअप होएगा, मतलब कमेंट ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तू अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और कोई फटे कपड़े वाला है अगर कमेंट करेगा तो वो भी नीला बटन दबा रहा है, तू भी नीला बटन दबा रहा है। समानता मेरे लिए सबसे फर्स्ट पे। और जितने भी डिप्रेशन वाले भाई हैं
तो क्या है, खुद का कर्म करने पर विश्वास करें, मेरा तो यही कहना है। आप लोग अभी जितने भी हो भाई, सारे स्टडी कर रहे हो भाई, डेली टू डेली तुम्हारा काम है वो करो, जो ना होगा वो होएगा ही सही। किसी भी आदमी को रोकने से कुछ नहीं होता, अगर तुम लोग ज्यादा फल की इच्छा करोगे, वही गीता वाली बात है भाई। आज मैं पोल ओवर करूंगा तो दो दिन बाद माथा पकड़ के कोने में बैठ जाऊंगा, फिर बाद में अखबार में खबर आएगी कोटा राइडर भैया को हुआ डिप्रेशन, खाटले पे पड़ गए है नहीं। तो इसी के साथ में क्या है, लास्ट एंड फाइनल बात बोल रहा हूँ भाई, सीरियसली लो भाई, समझो कुछ भी समझो। आप लोग, आप राठौड़ समाज के हो, समाज कोई सा भी हो, सबसे पहले अपन क्या है, एक तो इंसान है। ये चीज अगर याद है तो अपने पढ़े लिखे होना क्या फायदा है। अरे अगर अपन न यूं सूझ जाएगा यार अंधभक्ति कर रहे तो फिर अंधभक्ति में तो हो गए कल्याण। सुबह की बात है भाई, मेरे कमेंट पढ़ते हो तुम कभी? हाँ कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़ा। आज मुझे एक लड़के ने आज कोटा में कमेंट किया, कोई यस भैया कर बकरज गाड़ियाँ सुबह दुकान का ही कर। मैं उसको एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तारा घोड़ा टूट जाओगा। सही बात है, जिंदगी अनमोल। क्रीम लगा भाई, जाओगे ना? जाओ खुद याद पड़ेगी, खुद नहीं। अरे अपन तो हॉस्टल में रहे, अगर ताकि गलती से यहाँ भी लागी ना तो पहले तो 10 रुपया वो कांच लाओगा, फिर वो कांच में यूं देखेगा, फिर यूं लगाओगा। तो जब गोडा खुद कहेगा सरकार क्रीम भी खुद नहीं लगानी चाहिए, तो दूसरों कहोगे जी ना अपन क्यों करो। अभी आज मैं तुमसे बोलूं का 2 मंजिल पर सोच जा, जब भी तो तू बाहुबली कर लाओ, कूदोगे ना कूदो भाई, ना कूदो ना, तुम कूदोगे क्या? नहीं कूदोगे ना भाई। तो कभी कभार क्या है, ऐसा होता है कि दो आदमी, जैसे अभी तुम यहाँ हॉस्टल में रहते हो तो पास के लड़कों के अगर जलन है तो वो तुम लोगों पे ऐसा नहीं कर देते कभी, जैसे तुझे गुस्सा दिला दिया, दो गाली दे दी। तो पता है वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि यू भी मम गड़े काट, अब तना मैं गड़े काटी तुम्हारे मजवा जाओ, वो मारो लक्ष्य पूरा होगी। अब तना जे गलती से गड़े ना काटी तो वो दिमाग खराब हो जाओ, दूसरा का पता होगा, तुम्हारी मेहनत बेकार होगी। और पढ़ने वालों के लिए स्पेशल बात है भाई, रिजल्ट की ज्यादा टेंशन करना ही बेवकूफी है। कर्म करे जाओ तो फल की इच्छा उपरा लो, देखो सब लौट लेना, यही सच्चाई है, इसी में सब कुछ है। तो इसी के साथ में आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर खत्म। तो जिसको देखना है आज का फुल व्लॉग, वो अपने यूट्यूब चैनल कोटा राइडर्स पर चला जाए, और जिसको करना है कल मीटअप वो अपनी रील पर कमेंट करे। बाकी सारी पब्लिक को जय श्री राम, जय श्री राम।